अपॉन पूर्वाध 183, आष्टी के महालक्ष्मी मंदिर में निवास, भूमि में गड़े धन का निर्देश। ताकरखेड़ा से निकलकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने भक्तजनों के साथ आष्टी नगर की ओर जाने के लिए वहां से प्रस्थान किया। कुछ समय पैदल परिभ्रमण करते हुए भगवान आष्टी नगर में पहुंचे। उस नगर में विद्यमान महालक्ष्मी के मंदिर में भगवान आसन पर विराजमान हुए। भाईसा के पास 3 सिक्के बचे थे जो इससे पहले गांव में ही खर्च हो गए थे। खर्च के लिए अपने पास कोई पैसा नहीं है, यह समझकर उसने भगवान से कहा, भगवान खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं है, क्या किया जाए? इस पर भगवान ने कहा, हमारे सरोते को गिरवी रखकर काम चला लो। फिर भाईसा ने कहा, भगवान इसे हम गिरवी कैसे रख सकते हैं, हमने यहां फिर कभी दोबारा आना ही नहीं। इस पर भगवान ने कहा, माता इस समय हमारी प्रवृत्ति ऐसी ही है, अन्यथा यहाँ जो सम्मुख देवता की मूर्ति दिखाई दे रही है, इसके नीचे धरती में कतार से 7 कड़ाइयां धन दौलत से भरी पड़ी हैं, जिन्हें हमारे नेत्र देख रहे हैं। इस धरती को खोदकर थोड़ी सी मिट्टी हटाई जाए तो अपार धन दौलत मिल जाएगी, पर हमारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, हमें इस धन द्रव्य से क्या लेना देना है, इसलिए हम जो कह रहे हैं वैसे ही कार्य करती जाओ। फिर भाईसा ने चांगदेव भट्ट को दुकान पर भेजा। वह सरोता गिरवी रखकर 8 सिक्कों का राशन पानी ले आया। भाईसा ने भगवान के लिए भोजन तैयार किया, भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, धूप आरती की, मंगल आरती की। उसके बाद भगवान के सामने भोजन का थाल रखा। भगवान ने भोजन करके कुल्ला किया, पान खाने के लिए थोड़ी देर विश्राम किया। फिर उठने के उपरांत जब भगवान आसन पर विराजमान थे तो वह बनिया वहां आया। उसने भगवान के दर्शन किए। फिर उसने चांगदेव भट्ट से पूछा कि वह जो श्रोता उसके पास गिरवी रखकर आया था, वह यहाँ सम्मुख बैठे हुए भगवान का ही है क्या? इसके उत्तर में चांगदेव ने कहा कि हाँ, इनका ही है। यह सुनकर उस बनिए ने अपनी थैली में से सोने के 16 सिक्के और निकालकर भगवान के सम्मुख रखकर उन्हें समर्पित कर दिए। उसके बाद भगवान को दंडवत प्रणाम कर जब वह बनिया जाने लगा, तब उसने चांगदेव भट्ट से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी दुकान पर आकर अपना सरोता वापस ले आओ। वह उसके साथ ही दुकान पर गया और वहां से सरोता वापस ले आया। फिर भगवान वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। लीला का हेतु। आष्टी के महालक्ष्मी मंदिर में भाईसा ने जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी से कहा कि राशन पानी लाने के लिए पैसे नहीं बचे, तो भगवान ने अपनी निस्पृह वृत्ति को दर्शाते हुए श्रोता गिरवी रखकर राशन पानी लाने की आज्ञा दे दी। फिर अपनी सर्वज्ञता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने दिखा दिया कि वहां धरती में गड़ा हुआ खजाना भरा पड़ा है, पर उन्हें धन प्राप्ति करने की कोई इच्छा नहीं है। परमेश्वर के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदिशक्ति माया ने बनिए की बुद्धि को प्रेरित कर उसे भगवान के दर्शनार्थ भेजा। उस बनिए ने भी पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य का कार्य किया होगा जिससे उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। फिर उन्होंने उसके राशन से बने अन्न को स्वीकार कर उसे अलभ्य लाभ प्रदान किया। भगवान ने उसकी क्रिया को स्वीकार भी किया। श्रोता गिरवी रखने के माध्यम से भगवान ने बनिए को परमेश्वर अवतार की सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 183 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 184 वाठोड़ा में रात्रि निवास। अष्टी नगर के बाद और मंगलोर से पहले, मंगरूल पीर से पहले तक मार्ग में आने वाले 3-4 स्थानों पर मार्ग क्रम से चलते हुए भगवान ने विश्राम किया था। लीला चरित्र में उन स्थानों के केवल शीर्षक आते हैं, वे इस प्रकार हैं: वाठोड़ा में वस्ती, नायगांव के कंठकेश्वर में वस्ती, अग्निष्टिके वस्ती, मानामान केश्वरी वस्ती और कारंजा के वेवलेश्वर में वस्ती। ये गांव अष्टी से लेकर मंगलोर अर्थात मंगरूल पीर के मध्य में आते हैं। इस वस्ती अर्थात रात्रि निवास स्थानों पर लीला का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इन वस्ती के स्थानों पर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने उन स्थानों पर ईश्वर स्वरूप के संबंध से अव्यक्त प्रसन्नता अर्थात शक्ति का निक्षेप किया। यह संबंध धरती में नीचे जल स्थल तक है और धरती से ऊपर तथा दाएं बाएं 3.5 हाथ है। यह श्रुति वचन है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की।